आज एकदम हर बार पहन के आज आप आए हैं, क्या क्या कहना चाहोगे? इस हार की सेलिब्रेशन है कि किस तरह का, आप कुछ बताना चाहोगे? जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आयशा बिग बॉस के घर से बाहर हो गई है, कल एविक्ट हो गई है। सो मैं इतना खुश हूँ, पूरा हिंदुस्तान इनफैक्ट खुश है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का सबसे बड़ा दुश्मन अभी बिग बॉस के घर से चला गया है। सो अभी देखिए, आयशा रहती तो भी मुनव्वर फारूकी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था, आयशा बाहर हो गई है तो भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो धीरे धीरे जितने दुश्मन थे, जितने नेगेटिव लोग हैं, सब बिग बॉस के घर से बाहर होते जा रहे हैं। और अभी कन्फर्म हो गया है कि जो ट्रॉफी बिग बॉस 17 की, वो डोंगरी ही आ रही है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आपको क्यों लगता है कि मुनव्वर की सबसे बड़ी दुश्मन आयशा थी? एक वही इंसान ऐसी थी जिसे सबसे पहले जाके ऐसा माहौल क्रिएट किया और दुनिया को दिखाया कि मुनव्वर फारूकी का एक और चेहरा भी हो सकता है। मतलब आयशा ने ऐसी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, और ये बात बिग बॉस को भी पता लग गई, जनता को भी पता लग गई, और ऐसा हुआ है। और अब आयशा का करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है, पहले भी उसका करियर कुछ नहीं था, जितना फेम आयशा को मिलना था मुनव्वर की वजह से उसने ले लिया है। अब बाहर आके उसका करियर बिल्कुल जीरो हो गया है, ना उसके पास पहले काम था, ना अब उसको काम मिलेगा। आयशा को लेके जिस तरह आयशा की गेम थी, जब वो आई तो एग्रेसिवली आई, फिर बीच में थोड़ी नॉर्मल हो गई, फिर लास्ट में एक जो टास्क हुआ था उसके बाद और एग्रेसिवली मुनव्वर के पास आया, आपको क्या लगता है? और बीच में उसको डॉक्टर कंसर्न भी था, तो ये पूरी जो गेम है उनकी, जो गेम फॉर्मेट है, वो आप किस तरह से देखते हो? पूरा फेक गेम आयशा ने खेला है, एक एक चीज़, एक एक स्टेप उसका प्री प्लान था। आयशा का प्लानिंग के साथ आई थी कि मुनव्वर फारूकी को नीचे दिखाऊंगी और इसको इतनी नेगेटिव इमेज बना दूंगी, उसकी वजह से मैं आगे आ जाऊंगी और जीत जाऊंगी। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब दिख रहा है। लेकिन देखिए, मैं पर्सनली किसी का दुश्मन नहीं हूँ। अब आयशा खान का करियर खत्म हो गया है, वो घर से बाहर आ गई हैं, लेकिन मैं आयशा से कहना चाहता हूँ कि मैं आयशा को अपनी बहन बना के उसका सपोर्ट करूंगा, उसको यहाँ पे चाय की टपरी खुलवाऊंगा अंधेरी में। तो मैं चाहता हूँ आयशा चाय की दुकान चलाए, अपना घर चलाए, जिससे उसका घर चले। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आयशा ने जो करना था कर लिया, उसको इंडस्ट्री में काम तो मिलेगा नहीं। अब मुनव्वर चैंपियन था, मुनव्वर चैंपियन रहेगा, तो मैं आयशा के सपोर्ट में आ रहा हूँ, जो भी वो छोड़ के आई है। और जब आयशा एविक्ट हो रही थी, आप देखिए, जो रो रही थी वो भी खून के आंसू रो रही थी, झूठे मगरमच्छ के आंसू रो रही थी, जानबूझ के ऐसा रो रही थी, दिखा रही थी कि हमें अफसोस है। लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि उसका करियर खत्म हो गया, जैसे नाजिला का करियर खत्म हो गया, वो भी मुनव्वर के अगेंस्ट थी। उसको तो उसने पूरी कोशिश कर ली बिग बॉस के घर में आने की, वो नहीं आ पाई। तो इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ, सेलिब्रेट कर रहा हूँ, दिन भर में आज हार पहन के ही घूमूंगा पूरे मुंबई में। इसके अलावा आप काफी श्योर हो कि मुनव्वर जीतेंगे? जी, ट्रॉफी डोंगरी आएगी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ट्रॉफी डोंगरी आएगी? और क्योंकि उनके काफी सारे कॉम्पिटिटर है, अंकिता लखंडे सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर, अभिषेक है कॉम्पिटिटर, और उसके बाद हम देखते हैं तो विक्की जैन भी एक कॉम्पिटिटर है। आपको, आप इतने श्योर क्यों? अभिषेक को तो मैं मुनव्वर का कॉम्पिटिटर कभी भी नहीं मानता हूँ, वो तो अभी किसी को तो देखिए आगे लेके जाना ही है। किसी को भी टॉप 5 में कोई आएगा, टॉप 4 में कोई आएगा, टॉप 2 में कोई आएगा। हाँ, अंकिता लोखंडे एक टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको बहुत पहले से जानता भी हूँ। तो टॉप 2 में अंकिता के आने के बहुत चांसेस हैं, मुनव्वर और अंकिता के। बट मुनव्वर फारूकी ने जो अभी देखी आप, जो अभी लाइव हुआ था ऑडियंस के सामने भी, हर जगह पब्लिक की जो सिंपैथी मुनव्वर ने लिए, पब्लिक का सपोर्ट मुनव्वर को मिला है। सो अंकिता ही टॉप 2 में आ सकती है मुनव्वर के साथ, और ये अभिषेक, ये लोग तो मुझे कैपेबल लग नहीं रहे कि उसके साथ आके खड़े हों। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मेरा बस लास्टली यही कहना है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ मुनव्वर को सपोर्ट करिए, ये ट्रॉफी डोंगरी ही आना चाहिए। एक बड़ा रियलिटी शो मुनव्वर फारूकी जीत चुका है, और मैं चाहता हूँ कि 28 को फिनाले है, आप पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करें, 28 को ट्रॉफी डोंगरी आए, और साथ मिलकर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हम लोग डोंगरी में करने वाले हैं, अंधेरी बैंड्रा पूरे मुंबई में करने वाले हैं। आप सबका बहुत सपोर्ट चाहिए, अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है, बस थोड़े दिन की बात और बाकी है। तो प्लीज़ मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करिए, वोट करिए। 28 तारीख को एक और चीज़ भी है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, वो है मुनव्वर फारूकी का बर्थडे है उस दिन। क्या लगता है बर्थडे के दिन ट्रॉफी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, डबल सेलिब्रेशन होने वाला है, और डोंगरी में काफ़ी तेज़ी से इसकी तैयारी चल रही है। मैं खुद जाके देख के आया हूँ, अंधेरी बैंड्रा में उसके होर्डिंग्स बैनर्स लगे हुए मुनव्वर के। सो 28 तारीख को और 29 को डबल सेलिब्रेशन होने वाला है, जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुनव्वर फारूकी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।